हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा भोजपुर का व्लॉग, जिसमें मैं आपको भोजपुर के बारे में बताया जब हम भोजपुर घूमने गए थे। तो ये सब कुछ आप लोगों ने देखा फर्स्ट पार्ट में। अब आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट। आराम हो रहा तो भोजपुर घूम लेने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं शहर में ही, और हम लोग अब आ गए हैं लेक व्यू में। तो दूसरा कोई और ऑप्शन समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे कुछ दिल्ली वाले भी कलीग्स थे, तो हम लोगों ने सोचा कि लेक व्यू ही चलते हैं और लेक व्यू के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए लेक व्यू में, और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप अगर सोचेंगे कि मैंने प्रॉपर व्लॉग क्यों नहीं शूट किया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सभी लोगों के साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो लेक व्यू आने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पर मैगी ऑर्डर करी। हम लोग देख रहे थे कि क्या खाना है, कौन सी मैगी ऑर्डर करनी है। सो यहाँ पर हम लोग का ऑर्डर देख के हो गया था, जिसमें हमने प्लेन और वेजिटेबल मैगीज विथ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी। सो हमारा ऑर्डर जब तक प्रिपेयर हो रहा था, हम लोग यहाँ पर लेक के साइड में चेयर्स लगाकर पेड़ के नीचे बहुत ही आराम से बैठे हुए थे। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं लेक का, ये बहुत ही खूबसूरत था, और उस दिन मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा कड़क धूप नहीं थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी लेक के किनारे में। तो यहाँ पर चेयर लगा के हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे और ये जो नज़ारे हैं इसके मज़े ले रहे थे। सो मैं भी भोपाल जब से आई हूँ, तब से मैं लेक व्यू बिल्कुल भी घूमने नहीं आई थी। जब मैं भोपाल में नहीं रहती थी, तब मैं कभी कभी जब आती थी तब बल्कि और मैं घूमने आ जाती थी, लेकिन आज आने को यहाँ पर मिला और यहाँ के नज़ारे तो आप देख ही पा रहे हैं। भोपाल की खूबसूरती ही है लेक व्यू, और यहाँ पर जो ये झीलें हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी यहाँ पे जो क्रूज़ है वो चल नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग क्रूज़ में नहीं बैठे, वरना हम सोच रहे थे। और लीजिए, हमारी मैगी भी आ गई है बनकर रेडी। तो पानी के किनारे आराम से गरम गरम मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, और यहाँ पर बैठ के आराम से मैगी के मज़े लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं भी बाहर निकली और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। बस एक बात रियलाइज़ हुई मुझे कि आप कितने भी बिज़ी हो, थोड़ा सा समय निकाल के हमें घूमने के लिए जाना चाहिए। सो यहाँ पर मैगी खाने के बाद हमने सोचा कि हम जाते हैं वन विहार, और यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक बाइक को बुक किया और हम निकल पड़े वन विहार के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड से, इस ये जो ओपन इलेक्ट्रिक बाइक थी ये बहुत ज़्यादा शानदार थी। इसमें ठंडी ठंडी हवा लग रही थी जब हम बैठे हुए थे। जैसे कि मैंने साइड से बताया, वन विहार लेक के नज़ारे थे, मेरा फर्स्ट टाइम था। इसके पहले मैं यहाँ पर रहते हुए भी नहीं आई थी। यहाँ पर आगे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा जंगल के जानवर एनिमल्स तुम लोग देख सकते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो कुछ देखा गया कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देखो ये जंगली भेड़िया, लोमड़ी। सो मेरा कुछ प्लान है, बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने भाई बहन या अपने और भी फ्रेंड्स के। ये रही लोमड़ी, फोटो के लिए नहीं रुके। यहाँ मैंने नॉर्मल व्लॉग ही शूट किया। सो यहाँ पर
कुछ एनिमल्स देखने को मिल रहे थे और हम लोग यहाँ पर अपनी बातें करके हंसी मजाक भी कर रहे थे। बहुत अच्छा टाइम बीता उस दिन और बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हम लोग वन विहार घूमने आए। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस मौसम इतना अच्छा था तो सभी लोगों ने अपने इस नज़ारे के मज़े ले रहे थे, सभी वीडियो शूट कर रहे थे। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और कुछ कुछ हमें यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिल रहे थे। सो यहाँ पे प्रॉपर कैमरे में सभी कुछ चीज़ें मैं यहाँ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो काफ़ी दूर दूर भी बैठे हुए थे, कैमरे में नहीं आ रहे थे। सो जितना भी मैंने इन्हें थोड़ा बहुत दिखाया है आप लोग देख लीजिए। सो यहाँ पर भैया दिखा रहे थे हिरण, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हिरण दिखा, आपको वहाँ दिख रहा होगा। और ये देखिए साइड से पानी हमें तो दिखते ही जा रहा है। अरे अरे इसका मुंह काला है, मुंह काला ये बैठा है यार, मुंह फाड़ गया खतरनाक। यार भैया टाइगर ने मुंह इतना बड़ा किया। हां ये देखो बल्ले, ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये तो तू गप्पे मार रहा है। चिल्ला तो जैसे जैसे वन विहार में आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थे टर्टल्स, सो ये बहुत बड़ा सा एक तालाब बनाया हुआ है इन्होंने जिसमें बहुत सारे आपको टर्टल देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो था ये सबसे बड़ा था साइज़ में और यहाँ पे सारे लोगों को ये बहुत ही अपना सर उठाकर देख रहा था। और यहाँ से थोड़ा आगे आए हम लोग तो यहाँ पर जो सांप वाला एरिया है इसमें सभी अलग अलग जो सांप की प्रजातियां हैं उनको दिखाया गया है। और यहाँ पे सांप भी है वही, और आप इनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी। सो आप यहाँ पर आकर ये देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये देखिए जैसे कि एक कॉमन रेड स्नैक है धामन, ये अक्सर मैंने अपने खेतों में भी देखी है। तो ये बहुत ही आलसी टाइप का सांप होता है और इसमें जहर नहीं होता है। तो इनमें से मोस्टली सांप तो मैंने अपने खेतों में देखे हुए हैं तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा इतना यूनिक सा नहीं था। हाँ कुछ कुछ ऐसे सांप है जो देखने को नहीं मिलते, जैसे ये वाला, ये बहुत जहरीला सांप होता है। सो इसी तरीके के और भी सांप हैं आपको यहाँ पर आके देखने मिल सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो।
जगह पानी यहाँ खड़े होते हैं ना, यहाँ अच्छा है। चलो यहाँ उतरते हैं। बारासिंगा भी है, अरे इधर कहीं है, सब लोग आए हैं। ना 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 रे गाना गा रहा है। डांसिंग भालू। इसका मुंह ना इतना खुल जाता है। तो हमने यहाँ पर अपनी एक घंटे की राइड वन विहार में ले ली। हमारा टाइम हो गया था एक घंटे का, हमें एंट्री का टाइम दिया हुआ था, जो हमने घूम लिया, सब कुछ देखा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और हाँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको वन की किसी भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर म्यूज़ियम, जो कि आदिवासी जनजाति म्यूज़ियम है, जो कि लेक व्यू के पास में ही है। आप यहाँ पर जाकर घूम सकते हैं, ये बहुत ही शानदार जगह है। आपको यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है अंदर में, ये बाहर मैंने वीडियो शूट किए थे, क्योंकि ये डांस मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने पूछा था कि ये डांस कब कब होते हैं, तो ये आपको संडे को ही देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर देखना है तो आप संडे को देखने जा सकते हैं। सो यहाँ पर आके मेरा तो माइंड बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हुआ, ये बहुत सारी यूनिक अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली मुझे। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे ही जो डांस बहुत ज़्यादा अच्छे यूनिक से लगे मुझे। और ये हमारा आज का दिन इस तरीके से बीता, जहाँ पर हमने लेक व्यू, भोजपुर और ये म्यूज़ियम हम लोगों ने विज़िट किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। और दोनों पार्ट्स आप लोगों ने देखे, कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।